जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई डॉट कॉम के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 40 में शुरू करते हैं मेरे पास सुस्त रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन है आई हैव slow इंटरनेट कनेक्शन आई हैव अ स्लो इंटरनेट कनेक्शन मेरे साथ बोलें आई हैव इंटरनेट कनेक्शन आई की जगह हम इसको शॉर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको पढ़ेंगे आइव और बोलने में बेहतर है हम इस तरह बोले आएव असलो इंटरनेट कनेक्शन मुझे आपको देखकर खुशी हुई आई एम हैप्पी टू सी यू आई एम हैप्पी टू सी यू मेरे साथ बोले आई एम हैप्पी टू सी यू आई एम को हम शॉर्ट करके इस तरह लिखते होते हैं आमतौर पे और बोलने में हम कहते हैं आई एम आई एम हैप्पी टू सी यू अंधेरा है इट्स डार्क इट्स डार्क मेरे साथ बोले इट्स डार्क इट्स जो है इट इज की शॉर्ट फॉर्म है और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और बोलेंगे इट इज डार्क क्या आप मुझे वो दे सकते हैं कैन यू गिव मी डैट कैन यू गिव मी डैट मेरे साथ बोले कैन यू गिव मी डैट अगर मैंने कहना हो क्या आप मुझे ये दे सकते हैं तो आप क्या कहेंगे कैन यू गिव मे दिस ठीक है जी ये और वो क्या मैं ये ले सकता हूं क्या मैं ये बोरो कर सकता हूं उधार ले सकता हूं कैन आई बोरो दिस कैन आई बोरो मेरे साथ बोलिएगा कैन आई बोरो दिस और वैसे तो बेहतर है आप कहें कैन आई बोरो दिस लेकिन आप कह सकते हैं कैन आई टेक दिस क्या मैं ये ले सकता हूँ या ले सकती हूँ ये लो हेयर यू गो हेयर यू गो मेरे साथ बोलें हेयर यू गो जब भी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे ख़ासतौर पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में तो वो कहते हैं हेयर यू गो यानी कि ये आपका ऑर्डर है हेयर यू गो मेरे साथ बोले हेयर यू गो बाद में आओ कम लेटर कम लेटर मेरे साथ बोले कम लेटर जल्दी आओ कम अर् कोई मुझे बुला रहा है समवन इज कॉलिंग मी समवन कॉलिंग में मेरे साथ बोले सम वन इज कॉलिंग में कोई मुझे नहीं बुला रहा है तो आप कहेंगे नॉट कॉलिंग और बेहतर है कि आप इस नॉट को इजेंट करके पढ़ें और बोलें सम वन इज इजेंट कॉलिंग में ठीक है सम वन इज कॉलिंग में सम वन इजेंट कॉलिंग में फोन बज रहा है द फोन इज रेंगिंग दोन इज रेंगिंग मेरे साथ बोले द फोन इज रेंगिंग कोई नहीं था अगर आपसे पूछे यार किसकी कॉल थी कौन था दरवाजे पे कौन था तो आप कहेंगे इट वॉज नो बड़ी इट वॉज नो बडी मेरे साथ बोले इट वॉज Nobody. और जिसका होता है एनी का मतलब होता है कोई भी क्या कोई है इज एनी बडी देयर ठीक है इसी तरह एक होता है सम क्या कोई मेरी मदद करेगा विल समबडी हेल्प मी ठीक है ये मैं आपको लिख देता हूं इज एनी देयर या आप कह सकते हैं कैन समबी Help me. वो हमेशा कॉल करते हैं दे ऑलवेज कॉल दे ऑलवेज कॉल मेरे साथ बोले दे ऑलवेज कॉल अगर हमने ये कहना हो वो हमेशा आने से पहले कॉल करते हैं तो आप कहेंगे दे ऑलवेज कॉल बिफोर कमिंग कि आने से पहले वो कॉल करते हैं मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं आई लिव इन एन अपार्टमेंट आई लिव इन एन अपार्टमेंट मेरे साथ बोलें आई लिव इन मैं रहता हूँ एन अपार्टमेंट अपार्टमेंट में याद रखें कि जो वॉवल्स होते हैं ए ओ ओ ए ई आई और यू उनसे पहले आप एन लगाते हैं ठीक है जी आई लिव इन हाउस लेकिन आई लिव इन एन अपार्टमेंट ये देखिए अब दूसरी एग्जाम्पल आ गई मैं एक मकान में रहता हूं आई लिव इन हाउस आई लिव इन हाउस मेरे साथ बोले आई लिव इन हाउस वो एक हादसा था इट वॉज एन एक्सीडेंट ए वॉवल ठीक है इसलिए एन लगा इट वॉज एन एक्सीडेंट मेरे साथ बोले इट वॉज एन एक्सीडेंट क्या आप मुझे पिक कर सकते हैं कैन यू पिक मी अप कैन यू पिक मी अप मेरे साथ बोले कैन यू पिक मी अपर्ल्स ये हमारा लेसन नंबर फोर्टी था अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आई को विजिट करें मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर गुड डे